दोस्तों आज मैं आपके लिए जानवरों की दुनिया के फेनोमेनास लेकर आया हूँ जिन्हें देखकर आप चौंक जाओगे। हालांकि ये घटनाएं रोज रोज नहीं होती, इसीलिए इन्हें देख पाना इतना भी आसान नहीं है। मिस्टीरियस फिश। क्या हो अगर आप नॉर्थन नॉर्वे के बीच पर टहल रहे हो और अचानक से आपके सामने ढेर सारी मछलियां मरी पड़ी हो, ऐसे समय में आपकी क्या हालत होगी? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा यहां पर कई बार देखा गया है जब काफी संख्या में मछलियों की बॉडी पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब वैज्ञानिक उनकी टोटल संख्या जानने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही वो गायब हो जाती है। शायद उनकी बॉडी भारी होने की वजह से वो पानी में डूब जाती है। क्रेब माइग्रेशन। ये घटना क्रिसमस आइलैंड पर हर साल एक बार जरूर घटती है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर करीब 50 मिलियन से ज्यादा केकड़े एक साथ रहते हैं, जो कि हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के नजदीक मौजूद है। जैसे यहाँ पर बारिश होने लगती है तो ये जीव जमीन से बाहर निकल आते हैं, जिससे पूरा टापू लाल रंग में बदल जाता है। ऐसा कुछ दुनिया में सिर्फ इसी टापू पर होता है, जिसे अपनी आँखों से देखने दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। व्हेल फिश। साल 2018 में हेमलाइन बे नाम की एक जगह पर समुद्र किनारे काफी सारी व्हेल मछली की बॉडी को देखा गया। हालांकि उनमें से 6 मछलियों को बचाकर वापस से समुद्र में भेज दिया गया, लेकिन सैकड़ों मछलियां सरवाइव करने में नाकामयाब रही। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इसके जैसी घटनाएं देखी गई। न्यूजीलैंड के फेयरवेल स्पिट नाम की जगह पर ऐसा रेगुलर होता रहता है। सिर्फ फरवरी मंथ में ही यहां के लोगों ने करीब 400 मछलियों को बचाया। हालांकि ऐसा होने की वजह क्या है, इसके बारे में अभी भी किसी को कुछ नहीं पता। नार्सिस स्नेक डांस। कनाडा जैसी खूबसूरत जगह पर नार्सिस मैनिटोबा नाम की जगह में हर साल वसंत ऋतु को दुनिया का सबसे बड़ा सांप का ग्रुप एक साथ धरती पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं, जो इतने सारे होते हैं कि आपको जमीन भी ठीक से नहीं दिख पाएगी, जो लगभग एक ही प्रजाति के होते हैं और उनका कलर भी सेम होता है। मर्मरेशन। अगर आपको कभी आसमान में कुछ ऐसा दिखे तो इससे डरकर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा पक्षी है जो काफी सारी मात्रा में आपस में मिलकर आकाश में ये आकृति बना देते हैं। इस पक्षी का नाम स्टारलिंग है, जिसे हम मैना के नाम से भी जानते हैं, जो किसानों की फसल को खा जाते हैं। यहाँ तक कि हवाई जहाज को भी इनसे खतरा होता है, लेकिन जो भी हो, ये जब एक साथ मिलते हैं तो आसमान को खूबसूरत बना देते हैं। इनकी उड़ने की क्षमता काफी अच्छी होती है, जिस वजह से ये आपस में कभी नहीं टकराते। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।